माँ बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर आज के मुख्य यजमान प्रदीप से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इंटेंशन ठीक रखें, जो भाग्य में है वो हमारे पास आ जाएगा, जो भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा। जीवन में खुश रहना है तो विपत्ति और परेशानी का आदर सत्कार उसी प्रकार से करो जैसे हम घर के दामाद का करते हैं। वहीं उन्होंने युवाओं को तनाव मुक्त जीवन जीने का संदेश देते हुए कहा कि जो भूत और भविष्य में जीता है वह हमेशा सोचते हुए उलझनों में समय गुजारता है, और जो वर्तमान में जीता है वह हमेशा संतोषी प्राणी है, खुशियां उसके आंगन में रहती हैं, इसलिए इंसान को हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम है कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी निश्चित रूप से आएगा। इस अवसर पर रोहित बहल, यज्ञदत्त, पंकज, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, मोहित बहल, संजय बलदेवराज, रोहित भाटिया, राकेश प्रभाकर, गोपाल मालपानी, बाबा जोशी, ओमकार सिंह, रॉकी, समीर चोपड़ा, अश्विनी शर्मा, विक्रम भसीन, विक्रांत शर्मा, संजीव शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, गुलशन कुमार, अजय मनी, अशोक शर्मा, इकबाल, प्रवीण, प्रिंस, जसविंदर सिंह, दीपक और सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मापिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के विच जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध सप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, अज रक्षाबंधन के विशेष अवसर से विशेष आहुतियां के नाल हवन यज्ञ के विच समग्रियां डालिया गई, जड़िया बूटिया के नाल हवन यज्ञ किया गया, और सारे दूरों दूरों आए श्रद्धालुओं ने माँ के चरणों के विशेष पूजा के नाल नाल अरदास बेनती भी की है कि माँ रक्षाबंधन के दिवस से तेरे को माँ यही आशीर्वाद मंगते हैं कि सानू सारे जिन्हें भी रोग दोष है उन्हों तो मुक्त करो और अपना आशीर्वाद साढ़े ते साडे परिवार से साडे समाज से दो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि इस तो बाद एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जाता हर वारी जिहड़ा हवन यज्ञ तो उपरांत, अज विशेष रूप दे विच लंगर प्रसाद तैयार किया गया सी, सारे श्रद्धालुओं नू लंगर प्रसाद छकाया गया। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि अगले वीरवार को 18 तरीक नू श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन मंदिर परिसर च शाम 9 बजे तो रात 12 बजे तक किया जा रहा है। आप भी आओ समुचे परिवार के नाल, समूह संगतों के नाल और अपने मित्रगण संबंधियों के नाल आओ, माता के दरबार से आके नतमस्तक होवो और अपना आशीर्वाद महामाई के चरणों चो प्राप्त करो। जकारा बगलामुखी माता जी का, बोल साचे दरबार की जय।